जी। सीपीआईएम विधायक राकेश सिन्हा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए नारों पर एपीएमसी चेयरमैन नरेश शर्मा ने आपत्ति जाहिर की है। एपीएमसी चेयरमैन ने कहा कि शिमला में राकेश सिन्हा और कांग्रेस की विचारधारा से संबंधित व्यक्ति शिमला में हमें चाहिए मूर्तिवाद से आज़ादी, हमें चाहिए हिंदू धर्म से आज़ादी जैसे नारे लगाए। नरेश शर्मा ने कहा कि इन नारों से देवभूमि के लोगों की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंची है। उनके विरोध में था पिछले मानसून सत्र में जिस कानून का ये लोग विरोध कर रहे थे, उस कानून का नाम हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता का कानून है। यद्यपि यह कानून 2006 से लागू है, लेकिन ये कानून काफी लचीला था। वर्तमान की जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस कानून को सख्त किया, जिसका उद्देश्य था कि हिमाचल प्रदेश में लोगों को किसी लालच या दबाव के तहत कोई गुमराह न कर सके। यद्यपि सीपीएम के विधायक राकेश सिन्हा और कांग्रेस के कुछ विधायकों ने उसका सदन में भी विरोध किया था, लेकिन उस धरने में कल ऐसे आपत्तिजनक नारे उन्होंने लगाए जिससे देवभूमि के लोगों की आस्था और भावना को ठेस पहुंची है। इनको बोलो दांत ना निकालो पीछे। जिस प्रकार वो नारे लगा रहे थे कि हमें चाहिए, देखिए मेरा तो मानना भी ये है कि किसी भी धर्म में पूजा पद्धति क्या होती है इसके ऊपर किसी को भी दूसरे के ऊपर आक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए हिंदू धर्म से आजादी। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता नारे लगा रहा था और विधायक राकेश सिन्हा जी उस नारे को बड़े जोर शोर के साथ दोहरा रहे थे। हमारा आरोप है कि उन्होंने इस कृत्य से जहां देवभूमि की जनता को शर्मसार किया है, वहीं लाखों करोड़ों लोगों की भावना को ठेस पहुंची है। इस देवभूमि में हमारे देवी देवता विराजमान है, हमारे मंदिर विराजमान है, हमारी उसमें आस्था है, और इस प्रकार से मूर्तिवाद से आजादी का नारा देकर जिस प्रकार उन्होंने हिमाचल प्रदेश के देवी देवताओं का अपमान किया है वह अति निंदनीय है। और मुझे तो इतना कहना है कि हिंदू धर्म से आजादी जैसे आपत्तिजनक नारे लगाकर ये बिल्कुल साफ दिखता है कि सीपीआईएम के विधायक राकेश सिन्हा और उनकी टीम जो जुलूस में इस प्रकार के नारे लगा रही थी वो जवाब दें कि आप हिमाचल प्रदेश में क्या उस गैंग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो भारत के टुकड़े करने का ख्वाब देखती है। इस हिंदू विरोधी एंस्टा न्यूज ले शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। मैं ये कहता हूं कि सीपीएम के विधायक को जिन्होंने कल अपना चेहरा असलियत में दिखा दिया है।